नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम तो सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाने की कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। अब बात यह आती है कि सातवां चरण जब तक शुरू नहीं हो जाता है तब तक अलग अलग खबरें प्रतिदिन जो आ रही हैं, समझ में ही नहीं आता है कि किस खबर को हम ऑथेंटिक माने और किस प्रकार से हम विश्वास करें कि हाँ ये बात बिल्कुल सही होगी। पहले शिक्षा मंत्री खुद ये बात करते हैं कि हम पात्रता परीक्षा को आधार मानकर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बाद में ये खबर आती है कि नियमावली को लेकर बैठक चल रही है और एकेडमिक को आधार मानकर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज ये खबर आ रही है कि 60:40 का जो आधार है, यानी कि जो नियमावली में 60:40 को आधार माना गया था, उसी के आधार पर जो है बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये तमाम बातें जो है वो अब सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई आयोग करेगा सातवें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति। बदलाव की तैयारी जो है वो आगे अब चल रही है। बदलाव क्या है? पंचायती राज व्यवस्था से छीनेगा नियुक्ति का अधिकार, ऐसा कहा जा रहा है। आयोग करेगा सातवें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति। अब कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी जाएगी और आयोग को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो सातवें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। क्या कुछ फिर बदलाव है? देखिए मेधा सूची कैसे बनेगी। पुरानी नियमावली के तहत ही कहा जा रहा है कि मेधा सूची में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण तथा पात्रता परीक्षा के प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर 60:40 को ही आधार मानकर जो है मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। और राज्य सरकार सातवें चरण के तहत शिक्षकों की जो नियुक्ति है आयोग के माध्यम से करेगी। नियुक्ति को लेकर तैयारियाँ की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नई नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर ही होगी। सातवें चरण के तहत तकरीबन 2.25 लाख शिक्षक बहाल होंगे। इसमें 80,000 प्रारंभिक जबकि से शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को खुद ट्वीट करके सातवें चरण बहाली प्रक्रिया को जल्द प्रारंभ करने की जानकारी दी है। सरकार सही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। मेधा सूची कैसे बनेगी वो बता दी। क्या फ़ायदा होगा? आवेदकों को एक आवेदन देना होगा, केंद्रीकृत और ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था होगी, जबकि उनको यहाँ पे देखिए कई सारे नियोजन इकाइयों में नहीं भटकना होगा। 9,000 नियोजन इकाइयों को समाप्त करके अब जो है 38 नियोजन इकाइयों को ही रखा जाएगा। मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी। एक माह में बनेगी नई नियमावली, अंतिम रूप दे रहा है शिक्षा विभाग। 9,222 की जगह अब 38 जिले नियोजन इकाइयों ही रह जाएंगी। तो ये बात जो है वो अब धरातल पर उभर के आ रही है। तो दोस्तों नई नियमावली में जल्द ही सातवें चरण की नियुक्ति होने जा रही है और वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर में जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया हो जाएगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये बयान है। तो सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस ले लिया जाएगा और आयोग के माध्यम से अब बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कह दिया है 60:40 को ही आधार बनाया गया है और के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। 38 जिलों की 9,222 नियोजन इकाइयों अब हो जाएंगी बेमतलब। शिक्षकों का सीधा नियंत्रण शिक्षा विभाग का होगा, पंचायत व नगर निकायों का अधिकतर खत्म हो जाएंगी। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से, नगर निकाय, पंचायत से होगी। पुरानी व्यवस्था खत्म होगी, जिला ही होगा शिक्षकों का कैडर। क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली की जरूरत, ये भी कहा गया है। तो बहुत सारी बातें हैं। 2005 से 15 तक के बहाली में कई गड़बड़ियां हुई थी। अभी 80,000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का मामला निगरानी विभाग में फंसा हुआ है। नई नियमावली में अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों में त्वरित निष्पादन की जरूरत है। पुरानी नियमावली के कारण से शिक्षक नियोजन इकाई में ट्रांसफर की दिक्कत थी। आरक्षण रोस्टर को लेकर खाली पद को
की जानकारी जैसी कई दिक्कतें थी। शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग को शिकायत करनी होती थी। इसमें कई पेज थे, तो बहुत सारी बातें थी सामने जिससे कि नई नियुक्त नियमावली की जरूरत पड़ी, और इसलिए आप देख सकते हैं कि नई नियमावली को धरातल पर लाने की आवश्यकता पड़ी। तो नई नियमावली से क्या कुछ होगा, तो ये तमाम बातें ये भी लिखी गई हैं कि पुरानी से नई व्यवस्था किस तरह अलग होगी। पंचायत प्रखंड या नगर परिषद नियोजन इकाई थी, पंचायत प्रखंड या नगर परिषद कैडर होता था पहले, और अब ये तमाम चीज़ समाप्त हो जाएंगी। सहूलियत मिलेगी, 9222 नियोजन इकाइयों को के माध्यम से पहले आवेदन होते, ये सब समाप्त हो जाएगा और अब नई व्यवस्था के तहत जो है नियोजन इकाइयाँ मतलब ये समाप्त होकर नई तरीके से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों जो आज के न्यूज़पेपर ने कहीं ना कहीं पब्लिश किया है। तो आप देख सकते हैं माध्यमिक स्कूल में 9 से 10 तक के लिए, प्रारंभिक स्कूल में 1 से 8 के लिए बहाली, कहाँ कितने पद हैं ये तमाम लिखा है। तो अब स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि भाई जो बहाली की प्रक्रिया है वो अब त्वरित गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि माध्यमिक में 44,193 पदों पर बहाली होगी 9 से 10 में, 11 से 12 में 89,734, और वहीं प्रारंभिक स्कूल में 80,237 पदों पर जो है वो बहाली होने जा रही है। पुरानी से नई व्यवस्था लाई जा रही है और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली होगी, तमाम प्रक्रियाओं को बदला जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से अब न्यूज़पेपर भी जो हैं सक्रिय हो गए हैं, पत्रकार सक्रिय हो गए हैं, जो भी अपडेट आ रही है सीधे न्यूज़पेपर के माध्यम से वो लिखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।